नमस्कार, द पब्लिक मैटर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। चंपावत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी टीम द्वारा टनकपुर में 4 किलोग्राम चरस और 2 पेटी अवैध शराब के साथ नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए चंपावत से ब्यूरो चीफ जीवन बिस्ट की रिपोर्ट। कर आप देख रहे थे पब्लिक मैटर, मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। आज हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हमारे बीच बने हैं। सर नमस्कार। सर हमारे डिजिटल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जीवन जी। तो सर आज बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जो चरस पकड़े गए इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए ये टनकपुर क्षेत्र में ये बार बार दुकान जहाँ से ये माल पकड़ा गया उसकी शिकायत आ रही थी कि नशीले पदार्थों का वो कारोबार में लिप्त है। उसको ध्यान में रखते हुए सीओ ऑपरेशन जो हमारे है अभिनय, उनके नेतृत्व में पूरी टीम गठित करके वहाँ पर रेड की गई। पुलिस को देख के जो दुकान वाला वो तो उस समय तो भाग गया था। जब दुकान में सर्च की तो उसमें 4 केजी चरस और 2 पेटी वहाँ से जो है वो अवैध शराब वहाँ से बरामद की गई है। मुलजिम को उसके बाद तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जब इससे पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो ये जानकारी आई कि ये जो चरस है वो नेपाल के रास्ते भारत में लाएगी और यहीं खपाने की उनकी ये मंशा थी। तो चूंकि काफ़ी अच्छा काम किया इसमें पुलिस को, जो टीम है उसको 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की जा रही है। सर इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बन सकता है, जैसे कि हमारे यू चरस के कारण हमारे युवा जिंदा युवा एक लाश बन रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो उसमें जो NDPS के जो भी धाराएं हैं वो तो हम बनाएंगे। इसके अलावा उसमें दूसरे और भी जो उसमें एक्ट लग सकते हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। उसमें लीगल ओपिनियन हमारे द्वारा लिया जाएगा। इसको किसी भी दशा में जो भी लोग ये नशे के कारोबार में लगे उसको किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। सर मैं एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसमें लागू हो सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सामान्य तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर भंग होता है उस दिशा में लगाते हैं, लेकिन इसमें अब लीगल राय ली जाएगी क्या लग सकता है नहीं लग सकता। तो सर इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की? हाँ, इसमें NDPS एक्ट के जो धाराएं हैं जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और इसमें अच्छी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके उसको सजा दिलाई जाए। नशे की तरफ अग्रसित हो रहा है सर, इसके लिए क्या ठोस कदम? देखिए इसमें हमने एक ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रखा है जो कि लंबे समय से जनपद में चल रहा है, जिसमें हम 3 तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जो रॉ मटेरियल्स है जो भांग वगैरह उसको नष्ट करने का जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। सेकेंड में हम जो बच्चे नए नए अभी अभी जो कहते हैं नशे की जद में आए हैं उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। थर्ड में जो इसमें स्मगलर है, जो पेडलर है, जो ये नशे के धंधे में लगे कारोबार, उनको पकड़ हम जेल भेज रहे हैं। जिसमें आपने देखा भी होगा इस दौरान हमने स्मैक में काफ़ी बड़े काम किए हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में स्मैक पकड़ी है और अब चरस में भी अब हमने फिर से ध्यान दिया है। तो इसमें हम अच्छी से अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र पिंचा जी हमारे साथ बने थे। कैमरामैन त्रिलोक जोशी के साथ मैं जीवन बेस्ट। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।